नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 10 अगस्त 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें पिटीशनर ने कहा था हमारे देश में टोटल जो 1382 प्रिजन्स हैं यानी 1382 जेलें हैं हमारे देश में, वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्रिजनर्स यानी जेल में बंद कैदी जानवरों की तरह रह रहे हैं। प्रिजन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। एक तो देखो, हमारे देश की जेलें बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड हैं यानी कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी रह रहे हैं जेलों में। दूसरा, वहाँ पर जो खाना दिया जाता है उस खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। खाने की क्वालिटी बेशक अच्छी ना हो, लेकिन नशे के लिए चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं हमारे देश की जेलों में। सैनिटेशन, साफ सफाई पर फोकस नहीं किया जाता, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। इवन एक्सीडेंटल अपराधी भी पेशेवर अपराधी बन के निकलते हैं सजा काट के। इवन महिला कैदियों की सिचुएशन भी ऐसी ही है। तो इस पिटीशन पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि देखो, प्रिजन्स में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जेल में बंद जो कैदी हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको इस प्रकार से इतनी खराब हालत में जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 2 या 3 मेंबर्स होंगे। ये कमेटी हमारे देश की विभिन्न जेलों में जाएंगी और रिकमेंडेशंस देगी सरकार को कि किस प्रकार की कमियां हैं हमारे देश के जेलों में और क्या कुछ किया जा सकता है प्रिजन रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में है। न्यूज़ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स और बैकग्राउंड की बात करते हैं। RCEP ये एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रपोज्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी तक एग्रीमेंट हुआ नहीं है, प्रपोज्ड है। 2012 से ही नेगोशिएशंस चल रही हैं 16 देशों के बीच। कौन कौन से 16 देश? 10 तो देखो आसियान कंट्रीज, 10 प्लस में 6 जो देश हैं वो इस प्रकार से हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। 6 ये और 10 देश आसियान के। तो 16 देशों के बीच नेगोशिएशंस चल रही है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं। कई कई देशों के कंसर्न्स हैं, जैसे इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं। इंडिया कह रहा है कि हम टैरिफ को तो कम करेंगे, लेकिन सबके लिए एक समान टैरिफ को हम कम नहीं करेंगे। चाइना के लिए हम उतना टैरिफ नहीं रख सकते जितना टैरिफ हम दूसरे देशों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर इंडोनेशिया के लिए भी हम सिमिलर टैरिफ रखेंगे, थाईलैंड के लिए भी हम सिमिलर टैरिफ रखेंगे और दूसरी तरफ चाइना के लिए भी हम सिमिलर टैरिफ रखेंगे, तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाढ़ आ जाएगी इंडिया में, और ऐसा इंडिया नहीं चाहता, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा चाइना के साथ अगर ऐसा होता है तो। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका है, अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक्स की बात की। अभी कंटेक्स्ट यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसके चेयरमैन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु लेड कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी, पहले सोच विचार करेगी कि देखो जिस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं RCEP में, उन इश्यूज को किस प्रकार से एड्रेस किया जाए। अगस्त में RCEP नेगोशिएशंस के लिए फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, उस मीटिंग में इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, तो फाइनली इंडिया को इस एग्रीमेंट को ज्वाइन भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो फिर इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। तो इन सब इश्यूज पे विचार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके चेयरमैन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? हमारे देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 30वां सेशन ऑर्गेनाइज हुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का, और इसी काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया का जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में डाला जाएगा। इंडिया के 10 बायोस्फीयर ऑलरेडी इस लिस्ट में थे, अब
कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के ऐड होने के बाद 11 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के शामिल हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। सिर्फ 7 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको ऐड नहीं किया गया है इस लिस्ट में। सबसे पहले 2000 में तमिलनाडु का जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था उसे ऐड किया गया था यूनेस्को द्वारा डेजिनेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। थोड़ा सा हम डिस्कस करें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, यानी MAB प्रोग्राम। ये प्रोग्राम देखो स्टार्ट हुआ था 1971 में, यूनेस्को का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि एक साइंटिफिक बेसिस इस्टेब्लिश करना ताकि हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग के इन्वायरमेंट के बीच। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है ये प्रोग्राम, जैसे सोशल एस्पेक्ट, नेचुरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मकसद वही है, ह्यूमन बींग्स की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना एक तरफ, और जो बेनिफिट्स होते हैं इन्वायरमेंट से उन बेनिफिट्स की इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में इकोसिस्टम को मैनेज किया जाए, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर की जाए। अभी तक देखो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में ऑलमोस्ट 122 देशों से 600 बायोस्फीयर्स को डाल दिया गया है। इंडिया से 11 बायोस्फीयर्स को डाला गया है, और 20 बायोस्फीयर्स तो ऐसे हैं जो ट्रांसनेशनल हैं, मतलब उन बायोस्फीयर्स का जो एरिया है वो एक से अधिक देशों में आता है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, जिसको चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में। ये स्क्रीन पे आपके सामने लिस्ट है हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की। देखो थोड़ा थोड़ा करके आप इन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है देखते रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है और लास्ट टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, डेली 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अगर आप टाइम दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर साल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। मकसद है हमारे देश की सिटीज़ को, सिटीज़ की हेल्प करना ताकि वो अपनी लाइवेबिलिटी एसेस कर सकें ग्लोबल और नेशनल बेंचमार्क्स के आधार पर। इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाएगी देश की 111 यानी 111 सिटीज़ को। 4 पिलर्स के आधार पर ये रैंकिंग दी जाएगी। कौन से 4 पिलर्स? इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल। ये पिलर्स आधारित होंगे ईज ऑफ लिविंग असेसमेंट पे, जिनको लिंक किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाना है 2030 से पहले पहले। तो इन गोल्स के आधार पर ईज ऑफ लिविंग असेसमेंट स्टैंडर्ड्स को तैयार किया गया है, और उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है। ये इंडेक्स हमारे देश की विभिन्न सिटीज़ को एंकरेज करता है कि वो अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट में आउटकम बेस्ड अप्रोच को अपनाएं। काफ़ी बार देखो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे देश के बहुत सारे शहर की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो बड़े बड़े प्लान बनाने का तो दावा करती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता, इस वजह से आउटकम नहीं आ पाती, मतलब ग्राउंड पे चेंज दिखता नहीं है। इसी वजह से ये इंडेक्स एंकरेज करता है कि आप प्लान या फिर मैनेजमेंट इस प्रकार से कीजिए ताकि जो भी आप करना चाहते हो वो ग्राउंड पे दिखे भी। तो इस इंडेक्स को देखो लॉन्च किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पार्ट के तौर पे। पूरा आर्टिकल था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फॉल आर्मी वोम पेस्ट के बारे में है। पेस्ट का मतलब है कीट। ये कीट यानी ये पेस्ट फॉल आर्मी वोम अटैक करता है मेज पे, मतलब मक्का पे। क्या कंटेस्ट है? ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि जुलाई में कर्नाटक में मेज के ऊपर इस पेस्ट फॉल आर्मी वोम का अटैक देखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि देखो ये पेस्ट यानी ये कीट आमतौर पे इंडिया में नहीं मिलता है। थोड़ी और ज़्यादा डिटेल डिस्कस करते हैं इस पेस्ट के बारे में, यानी इस कीट के बारे में। ये मेजर मेज का पेस्ट है, मतलब मेजरली देखो नॉर्थ अमेरिका में मक्के पे अटैक करता है ये पेस्ट यानी ये कीट। अफ्रीका में एंट्री की इस पेस्ट ने 2016 में, और धीरे धीरे इस पेस्ट का इन्फेक्शन यानी अटैक देखा गया सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में मक्के की फसलों पर। दिक्कत देखो ये है कि एक बार अटैक हो जाता है इस पेस्ट का फॉल आर्मी वोम, तो इस पेस्ट के अटैक को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो
मक्के की फसल पर ही अटैक किया जाता है इस पेस्ट के द्वारा, लेकिन प्लांट्स की 80 दूसरी स्पीसीज ऐसी हैं जैसे सोरगम, मिलेट, सुगरकेन, कॉटन, इन फसलों पर भी अटैक किया जाता है पेस्ट फॉल आर्मीवर्म के द्वारा। अगर देखो कर्नाटक में इस पेस्ट के द्वारा अटैक की रिपोर्ट अगर सच साबित होती है तो ये पहली बार होगा कि एशिया में इस पेस्ट के द्वारा अटैक किया गया हो, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में ही मक्के की फसलों पर अटैक किया गया था इस पेस्ट के द्वारा। लेकिन अब ICAR के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि हमें लगता है कि कर्नाटक में मक्के की फसल पर अटैक किया गया है इस पेस्ट के द्वारा, तो इमीडिएट रिस्क में होंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसानों की जो मक्के की फसलें हैं वहां पर भी अटैक हो सकता है। कैसे, वैसे देखो कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ उपाय जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और नेचुरल एनिमीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे लास्ट में इंटरक्रॉपिंग, मतलब एक फसल के साथ में अगर दूसरी फसल उगाई जाती है उसके बाद तीसरी फसल, इस प्रकार से अगर इंटरक्रॉपिंग होती है तो भी इस पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पेस्ट फॉल आर्मी वर्म के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल निर्यात मित्रा एप्लीकेशन के बारे में है। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के द्वारा। इस एप्लीकेशन में देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी क्या है, GST रेट कितना लगेगा, अवेलेबल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से इंसेंटिव्स उपलब्ध हैं, टैरिफ कितना लगेगा, प्रिफरेंशियल टैरिफ कितना होगा, मार्केट को एक्सेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके अलावा SPS या फिर TBT मेजर्स क्या हैं, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन उपलब्ध रहेगी निर्यात मित्रा एप्लीकेशन पे। अभी ये इंफॉर्मेशन 87 कंट्री से संबंधित होगी, लेकिन धीरे धीरे दूसरे देशों से संबंधित भी इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी। देखो ये एप्लीकेशन इस वक्त पे लॉन्च की गई है कि हमारा फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस एप्लीकेशन पे उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी जो फॉरेन ट्रेड से संबंधित चीज़ों में अपना कैरियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इवन फॉरेन ट्रेड में जो कंपनीज डील करती हैं वो भी उन लोगों की प्रोफाइल ले सकेगी इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो कंपनीज को सूटेबल स्किल्ड पर्सन मिल जाएंगे और सूटेबल जो स्किल्ड पर्सन हैं उनको जॉब मिल जाएगी। तो बहुत सारे फायदे होंगे इस एप्लीकेशन से। अब हम बात कर लेते हैं FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और प्राइवेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा मिलकर। ये बॉडी एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, यानी 1860 का जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है ये बॉडी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। काम क्या है, काम ये है इस बॉडी का कि फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। अगर देखो हमारे देश का कोई एंटरप्रेन्योर फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसकी हेल्प करना, उसको असिस्ट करना काम है इस बॉडी का। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे गंडाकी या फिर गंडक रिवर के बारे में। अभी हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर रहे हैं गंगा रिवर की, तो चौथी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंडाकी या फिर गंडक। गंडक नदी वन ऑफ द मेजर रिवर है नेपाल की, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर पे 7,620 मीटर्स की हाइट से ओरिजिनेट होती है गंडक रिवर। शुरुआत में देखो दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक काली गंडक और दूसरी त्रिशूल गंगा या फिर त्रिशूली। यहाँ पर देखो काली गंडक यहाँ पर है और त्रिशूली यहाँ पर है, दोनों स्ट्रीम्स मिलकर बनाती हैं गंडक रिवर। नेपाल हिमालयस में धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है गंडक रिवर, उसके बाद नेपाल के सेंट्रल इलाकों में पहुँचती है। वैसे तीन देशों से होकर गुजरती है गंडक रिवर, तिब्बत, चाइना, नेपाल और इंडिया। टोटल लेंथ है गंडक रिवर की 630 किलोमीटर। और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेपाल हिमालयाज में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से पानी लेती है गंडक रिवर, जैसे काली गंडक या फिर मायनगाड़ी, बारी और त्रिशूली। उसके बाद गंगा प्लेन्स में एंटर करती है बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और लास्ट में सोनपुर के नज़दीक गंगा नदी से मिल जाती है गंडक नदी। ट्रिब्यूटरीज के बारे में वैसे हमने जान लिया है, लेकिन आप और ज़रा डिटेल से याद रखना चाहते हो जिसकी आवश्यकता है नहीं, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, आवश्यकता है नहीं वैसे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की
कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप प्रिजन में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कमेटी का गठन कीजिए जिसके चेयरपर्सन होंगे रिटायर्ड जज और सरकार की तरफ से दो या तीन मेंबर्स शामिल होंगे। उसके बाद हमने बात की निर्यात मित्रा एप्लीकेशन के बारे में जिसे डेवलप किया गया है FIEO मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद हमने RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में जाना। इस फ्री ट्रेड प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है जिसके चेयरमैन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु। तो इस आर्टिकल को भी हमने डिस्कस किया था। RCEP के बारे में जो बेसिक्स थे उनके बारे में भी हमने बात की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंचनचंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला गया है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब 11 हमारे देश के बायो रिजर्व ऐसे हैं 18 में से जो यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया पेस्ट फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।